ब्राइटवेल की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन वीडियो में, आज की ऑनलाइन क्लास में हम सीखने वाले हैं टेली ईआरपी 9 पार्ट नंबर 14। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आज अकाउंटिंग बाउचर में पेमेंट की एंट्री या पेमेंट बाउचर में कैसे एंट्रीज पास करते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज के अंदर आती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वाउचर आप एंट्री कर रहे हो, ट्रांजैक्शन वाउचर, उसमें सेकंड पार्ट है, ये दूसरा वीडियो है ये, तो किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मान लेते हैं कि आप फर्स्ट यूजर हैं। वैसे मैंने टेली को कैसे चालू करते हैं, क्रिएट करते हैं, लेजर बनाते हैं बता चुका हूँ आप किस तरीके से यूज करते हैं। मान लेते हैं आपके अकाउंट कंप्यूटर में टेली है, तो आप यहाँ से tally.erp9 पे क्लिक करेंगे और आपकी जो कंपनी है वो इस तरीके से, ये टेली है जो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अकाउंटिंग बाउचर को समझाने से पहले या पेमेंट बाउचर को समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको ये सेकंड बाउचर, अकाउंटिंग का सेकंड बाउचर समझा रहा हूँ और वो है पेमेंट बाउचर। पेमेंट बाउचर में कौन कौन सी एंट्री पास होती हैं, क्या शॉर्टकट है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो F5 है। और इसमें जो एंट्रीज आने वाली हैं वो समझते हैं कौन कौन सी आती हैं। पहली चीज तो आपको समझना है कि इन दिस बाउचर एंट्रीज रिलेटेड टू पेमेंट इज डन। इस बाउचर के अंदर वो सभी एंट्री आती हैं जिसमें पेमेंट किया जाता है, पेमेंट किया गया है। या मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊं तो ऐसी कोई भी एंट्रीज या कोई भी प्रविष्टि, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर इन दिस कैश इज CR, यानी कि जिस एंट्रीज के अंदर कैश CR या क्रेडिट होता है, जिसमें कैश क्रेडिट होता है वो पेमेंट बाउचर के अंदर होगी, या जिसमें कैश CR होगा वो पेमेंट बाउचर में होगी। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल के अनुसार आपको समझाता हूँ। माना कि रेंट पेड 5000, 5000 रुपये हम लोगों ने रेंट दिया है और किराया हम लोगों ने 5000 रुपये का किराया चुकाया है। ये किराया जो 5000 का आप दे रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं 5000, उसकी जो मैनुअल एंट्री होती है ना वो इस तरीके से होती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है रेंट अकाउंट DR 5000, यानी कि रेंट डेबिट होता है। दूसरा है कैश अकाउंट CR क्रेडिट, यानी कि कैश जो होगा वो क्रेडिट होगा। और क्यों होगा, किस तरीके से होगा, ये मैनुअल एंट्री में मैं सिखाऊंगा। लेकिन मान लेते हैं आपके पास एक ऐसी एंट्री है, या फिर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे रेंट का करो, सैलरी का करो, किसी इंटरेस्ट का करो, वेजेज करो, कोई भी पे, तो पेमेंट वाली एंट्री मान ली एक एग्जाम्पल है, ये हमें टेली में पास करनी है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सिंटैक्स, टेली ERP9 का एक सिंटैक्स है कि आपको गेट ऑफ टेली में जाना है, ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाना है, अकाउंटिंग बाउचर में पहुंच के F5 प्रेस करना है। मान लेते हैं आपने टेली चालू कर दिया। टेली चालू करने के बाद मैंने बताया था कि गेटवे ऑफ टेली में जाना है। ये गेटवे ऑफ टेली ओपन हो जाता है जब भी आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन होती है, ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जिस तरीके से ओपन है, तो यहाँ गेटवे ऑफ टेली ओपन हो जाएगा। गेटवे ऑफ टेली में आपको जाना है ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स में आपको जाना है अकाउंटिंग बाउचर्स, और इसके अंदर आपको आना है F5। ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप टेली ओपन करोगे, आपको जो अकाउंटिंग बाउचर ओपन होगा वो पेमेंट का होगा। यहाँ पर रेड कलर में पेमेंट दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं ये नहीं आ रहा है, मान लेते हैं ये कॉन्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो ही क्लास थी उसमें मैंने सिखाया था कॉन्ट्रा, तो मान लीजिए यहाँ पे कॉन्ट्रा आ रहा है और अब आपको जाना है पेमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप पेमेंट में देखोगे F5 शॉर्टकट है और पेमेंट यहाँ पे है, तो या तो आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करें या पेमेंट पे क्लिक कर दें। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ रेड कलर के इसमें पेमेंट दिखाई देगा और यहाँ पे अकाउंट आ रहा है। क्या आ रहा है, अकाउंट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया है कि यहाँ पे आप DR और CR आ रहा है, डेबिट क्रेडिट आ रहा है, आपको चाहिए कि टेली के अंदर इसी तरीके से आए, तो आपको अपनी टेली के अंदर जाना होगा। नीचे नीचे यहाँ पे सबसे नीचे देखोगे तो F12 शॉर्टकट की है, वो आप F12 भी प्रेस कर सकते हो और कॉन्फिगर पे क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नो करना है और एंटर प्रेस कर देना है, और इसको कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर सकते हो या एंटर प्रेस करते हुए आपको इस तरीके से लास्ट में सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो यहाँ पेमेंट है इसमें बाई आया है ना कि DR CR आ रहा है। मुझे DR CR ही चाहिए, तो मैं एक बार फिर से इसी में जाऊंगा, नीचे नीचे
या कीबोर्ड से F12 प्रेस करूंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस वाली लाइन में आप देखोगे यूज CRDR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्रीज। इसको आप जैसे यस करते हो, एंटर करते हो, या आप इसको क्या कर लेते हो, या कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पार्टिकुलर में DR आ चुका है। ठीक है, अब DR में मुझे क्या करना है, मुझे रेंट पे करना है। क्या करना है मुझे, मेरी एंट्री में अगर मैं जाके देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले DR आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे DR में रेंट देना है और मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो मैंने यहाँ देखा मुझे कि मैंने यहाँ पे रेंट जैसे मैं लिखता हूँ तो यहाँ रेंट का लेज़र मेरे पास नहीं है। मैंने आपको लेज़र बनाना बताया था, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे लेज़र बनाने की जरूरत पड़े तो शॉर्टकट है ओल्ट ALT प्लस, चलो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी शॉर्टकट की है, अगर आप लेज़र क्रिएट करते हो तो इसकी शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट सी अगर आप प्रेस करते हो कीबोर्ड से तो यहाँ पे आपको ऑल्ट सी करने से लेज़र क्रिएट होने की एक स्क्रीन आ जाती है। मैं यहाँ पे क्या है कि मैंने रेंट का लेज़र नहीं बना रखा था, इसलिए मैंने रेंट का एक अकाउंट बनाया और एंटर करते हुए रेंट जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर। किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर जाएगा। जितने भी मैसेज नो है कंट्रोल ए से आप इसको शेव कर लेंगे। रेंट का यहाँ लेज़र आ गया, आप देख पा रहे होंगे DR के सामने रेंट आ रहा है, और रेंट में जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप DR कर रहे हो रेंट को तो यहाँ डेबिट के नीचे ही अमाउंट पूछेगा, यहाँ पे 5000 यानी 5000 आपको डालना है। फिर दोबारा से DR आ रहा है तो मुझे CR बनाना है, तो मैं C प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने देखा था कि मेरी एंट्री में मुझे CR क्या करना है, आप फिर से अपने यहाँ पे जाएंगे, इसको आप नोट्स में लिख भी सकते हो एक डायरी में प्रैक्टिकल करते समय, कैश अकाउंट CR। तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट CR में कैश लेंगे, देन इसके बाद 5000 आप प्रेस करेंगे, 5000 देंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि आपका नेगेटिव में जा रहा है 55000, कोई बात नहीं है, अभी हमने इसमें कैपिटल की एंट्री नहीं की इसलिए आ रहा है। और यहाँ पे आपको लिख देना है टू पेड रेंट 5000 और एंटर और एक्सेप्ट। इस तरीके से आपकी पेमेंट की एंट्री पास हो जाती है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट की जगह आपका क्या लिखा हुआ है, मान ले रेंट की जगह लिखा हुआ है सैलरी। ठीक है, सैलरी आपको पेड करनी है, तो यहाँ पे क्या है कि रेंट के स्थान पे क्या आ जाता है, सैलरी। और इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखना है पेमेंट में जाना है, यहाँ पे सैलरी नहीं है, ओल्ड के साथ सी करेंगे और सैलरी का एक लेज़र क्रिएट करेंगे और एंटर करते हुए ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर देंगे। यहाँ पे 5000 सैलरी पे करेंगे, CR में आपका कैश आ जाएगा और 5000 यहाँ पे लिख देंगे टू पेड सैलरी 5000 आपको एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप कोई भी ऐसे एंट्रीज को पास कर सकते हो पेमेंट के अंदर जिसमें कैश CR होता हो, और या फिर आप कर सकते हो जिसमें पेड यानी कि इसके अंदर पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होंगी, पेमेंट वाले जो ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे इसके अंदर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिसिप्ट बाउचर, और रिसिप्ट बाउचर में F6 में कौन सी एंट्रीज होती हैं उन्हें समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट्स करना है और बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।